ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बहुत ही सुंदर जगह पर शनिदेव जी का मंदिर स्थापित है। ये देख सकते हैं आपको, यहाँ पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है लंगर की पूरी व्यवस्था की जाती है। एंजल देख लो कितने सारे लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, और लोग जो है यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, और परे अंकल जलेबियाँ बना रहे हैं। देखो ना इतनी गर्मी में, देखो माता, देखो कितना बड़ा बुखार दूर गया। साथ ही जो लाइन लगी हुई वहीं पर जो है शनि महाराज जी की प्रतिमा स्थापित की है। यहाँ से प्रवेश करो उसमें, ये देख सकते हैं कुछ शिल्पकार है। मंदिर में जो है एक अट्रैक्शन का जो पॉइंट बनाया गया है, और एक गुफा टाइप जो है, हाँ हाँ गुल्लक। हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं सबसे पहले नहा के तैयार हो चुकी हूँ। डैडी भी अपना बिस्तर सेट कर रहा है, और मम्मा भी अभी झाड़ू लगा रहे हैं, और सुजल भी अपना बिस्तर ठीक कर रहा है। हेलो दोस्तों, और भाई अभी अपने बैलून फुलाने में मस्त हुआ है, तो मैंने खाना भी पूरा तैयार कर रख दिया है। दोस्तों बने रहेगा वीडियो में अंत तक। हम जा रहे हैं शनि मंदिर जो हमीरपुर के लमड़ू में है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो आज शनिवार है, और शनिवार के चलते आज हमारा 5 डे होने के चलते जो है छुट्टी होती है, और बच्चों की भी जो आज छुट्टी है। तो अभी हम जा रहे हैं शनि मंदिर लमड़ू में, जो हमीरपुर जिला का प्रसिद्ध मंदिर है, शनिदेव महाराज का मंदिर है। रेडी है बेटा? हाँ जी। कहाँ जाएंगे अब? आज हम शनिदेव मंदिर में जाएंगे। तो सारा जो हमने रेडी कर रखा है, मैंने अपना रूम सब सेट कर लिया, और नहा कर बिल्कुल रेडी है, और दिखाता हूँ मैं आपको बाकी लोग जो क्या कर रहे हैं। अंजना जो है अभी रेडी हो रही है, चले फिर तो जल्दी हो जाओ। और बच्चों ने जो है, क्योंकि हमने साथ में एक छोटा सा जो हमारा रहता ही है कि हमने अभी तो ब्रेकफास्ट कर लिया, लेकिन दिन में जो लंच टाइम की जो ज़रूरत रहती है वो साथ में जो हमने पैक कर लिया है, और इन दोनों ने जो है पैक की है। सुजल ने, सुजल जो अभी हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है मेरी वीडियोग्राफी में, ब्लॉग बनाने में। तो बने रहिएगा वीडियो में तक। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारे फैमिली ब्लॉग जो आपको समय समय पर मिलते रहे। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माता दी। गाड़ी मार दी ना पानी पूरी, चेक कर लिए ना। चलो बच्चों जल्दी, तुम भी रेडी हो? हाँ जी। चल पड़े आप जल्दी से मंदिर में। और हाँ जी अंजना जी, सृजन का भी हाल ही को बर्थडे था 15 अगस्त को, लगा नुता तो भी करवाएंगे। सृजन रखो खाना भी, रखो गाड़ी में जल्दी, और बच्चों बोतलें रख लो पानी की जल्दी से। चलो फिर है ना, तो बने रहिएगा वीडियो में तक, और जल्दी से जो अब हम आपको शनि मंदिर लंबू में लिए चलते हैं पानी। चेक कर ले पूरा, जूते ले आया मेरे जल्दी से, जुराबे जाओ जाओ आप, जूस निकाल लो जल्दी से, चलो जल्दी से। मैंगो ये दो लेना, जल्दी ले लो जल्दी, एक जूस निकालो मैंगो करो, चलो जल्दी से, लेट हो जाएंगे नहीं तो। बारिश का मौसम है आजकल वैसे भी। डैडी जी लाइट भी चली गई। हाँ जी करता हूँ, अचानक से लाइट भी चली गई है, सारा जुगाड़ रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है ब्लॉग शूट करने के लिए सारी चीजें जरूर चाहिए। चलो जल्दी लाओ लॉक दिया ना। तो गाड़ी मेरी सृजन ने रेडी कर दी है, और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, जल्दी से जो हम आपसे शनि मंदिर लमलू हमीरपुर में मिलेंगे, और काफी प्रसिद्ध मंदिर है। तो चले बच्चों। हाँ जी। कहाँ जाएंगे आज हम? शनि मंदिर जाएंगे। अभी हम बस स्टैंड हमीरपुर पहुंचने वाले हैं। शनिदेव का मंदिर है जो लमलू में स्थित है, वो लगभग यहाँ से 10.5 से 11 किलोमीटर के आसपास है। ये देख सकते हैं आप, ये हमीरपुर का बस स्टैंड है। अभी हम हमीरपुर के बुसड़क में पहुंचे हैं, देख सकते हैं आपको, यहाँ से एक रास्ता हमीरपुर के लिए चला जाता है, और लेफ्ट हैंड से जो है लमलू शनिदेव मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है, क्योंकि हम अक्सर जो है मंदिर जाते रहते हैं। और आप मेरे पिछले ब्लॉग में भी देख सकते हैं, आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा। आज छुट्टी के चलते जो है हमने शनि मंदिर का जो है फिर से एक टूर बनाया, क्योंकि हम खुश भी थे, हमारे
YouTube चैनल पे जो है काफ़ी कम टाइम में लगभग 6 महीने में जो है 3000 से ऊपर जो है सब्सक्राइबर जुड़ गए, और ये अभी आप सभी दोस्तों का प्यार है और समर्थन बनाए रखें ताकि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया जो है ब्लॉग लेके आता रहूं। और यहाँ से जो है शनि मंदिर लगभग 7 किलोमीटर जो है रहता है। हालांकि आज मौसम जो है बिल्कुल साफ़ है और धूप जो है ना के बराबर है। आपने देखा होना हिमाचल में काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ है, तो मंदिर के रास्ते में जो है सड़क आप देख सकते हैं बिल्कुल बहुत शानदार है। तो बने रहिएगा वीडियो में तक, जल्दी जो अब हम मंदिर में पहुँचने वाले हैं। तो फाइनली हम भी लम्बलू में पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आप एक छोटा सा कस्बा है यहाँ पर, और यहीं पर जो है शनिदेव जी महाराज का मंदिर स्थित है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और जल्दी से जो अब हम आपको शनिदेव के मंदिर में ले चलेंगे और बताएंगे आपको वहाँ पर कि कैसा मंदिर है और अन्य कौन कौन से देवी देवताओं के वहाँ पर मंदिर है। बच्चों वाओ है ना, बहुत बड़ी मूर्ति है, और हम भी जो है शनिदेव महाराज जी के मंदिर में पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं आप कितना बड़ा मंदिर है, ये देखो सामने रश है आज बहुत। और सबसे पहले हम गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, यहाँ से लेंगे प्रसाद और फिर चलते हैं मंदिर में ना, माथा टेकेंगे और दिखाते हैं आपको हनुमान की मूर्ति। देखो कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ पे ना, अब यहाँ गाड़ी लगाने के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी। पार 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 देखते हैं, जय हो गौ माता। देखो लोगों ने जो है गाय माता का इस्तेमाल करके जो इनको आवारा छोड़ा हुआ है, और ये बेचारी अब कहाँ जाए, और ये भी एक चिंतनीय विषय है। आज मंदिर में काफ़ी रस है और मेरे को भी गाड़ी जो है काफ़ी आगे जो है लगानी पड़ी है, और हम जो अब पैदल जो है मंदिर के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप काफ़ी जो है गाड़ियों की लाइन लगी, और काफ़ी श्रद्धालु जो है हमारे मंदिरों में माथा टेकने आते हैं। आप भी ज़रूर विजिट करें, जब भी आप हिमाचल आएँ तो हमारे देवी देवताओं के मंदिरों में ज़रूर विजिट करें। मंदिर के बाहर जो है आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, और जो शनिदेव मंदिर के लिए ज़रूरत का जो चढ़ावा होता है आपको सारा जो है इन दुकानों पे अवेलेबल मिलेगा। तो सबसे पहले जो हम प्रसाद लेंगे पॉकेट में डाल लो, फोन भी है, दिखा फोन है, दिखा नहीं पाना। लो पकड़ लो, एक एक पकड़ लो तीनों, ले श्री जंतु भी पकड़ ले थैला, और चढ़ाना है वहाँ पे, माथा टेकना है। चलो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो है हनुमान जी की विशाल प्रतिमा है, और साथ ही में जो है शनिदेव जी का मंदिर है। तो बने रहिएगा वीडियो में तक। ये भैरव जी की है और साथ में हनुमान जी की, वहाँ भी चलेंगे माथा टेकेंगे। पहले आप जूते खोल लो सबसे पहले यहाँ पे, और हाथ भी धोने हैं, पांव धोने हैं, रखो जल्दी से। यहाँ पर जो है लोगों द्वारा तुलादान भी किया जाता है, और ये प्रक्रिया चली हुई है। साथ ही जो लाइन लगी हुई वहीं पर जो है शनि महाराज जी की प्रतिमा स्थापित की है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर भक्तों की काफ़ी लाइन लगी है, शनि महाराज जी का यहाँ पर मंदिर है। जिनका भी साथ ही जन्मदिन था तो उससे पूजा वगैरह करवाई, यहाँ शिव जी का विशाल यहाँ पर हमने माथा टेका, और जो शनि मंदिर में माथा टेकने जाएंगे। माथा टेको यहाँ पे पहले ना, आगे जाकर एंजल आप भी जाओ, देख सकते हैं आप यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, टेको एंजल यहाँ भी माथा। शनि मंदिर में माथा टेकना है और फेरी भी लेनी है बच्चों, है ना। ये देख सकते हैं आप शनिदेव महाराज जी के लिए जो है उनके आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की है। जय हो शनिदेव। आपको पता होना चाहिए ना, ये तेल जो है यहाँ चढ़ाना होता है और प्रसाद जो अंदर रखना है मंदिर में ना, फिर माथा टेकना यहाँ पे। सूजल बेटा चढ़ाओ वहाँ, तेल चढ़ाओ पहले। बच्चे भी जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, हमने भी जो है शनिदेव जी के मंदिर में माथा टेका, आशीर्वाद लिए इनका की कृपा बनी रहे। निकलने का रास्ता यहाँ से है ना, जय हो, कृपा बनी रहे शनिदेव महाराज जी, ऐसा बोलो। आओ यहाँ भी फेरी लो और बोलो ओम प्राम प्रीम क्रोस है शनि नमः, है ना। ग्रां द्रीम क्रोस है शुक्राय नमः, ओम हां ही औस है सूर्याय नमः। सभी देवी देवताओं के मंत्र लिखे यहाँ देखो, ओम प्राम प्रीम क्रोस है बुद्धाय नमः, ओम श्रां श्री श्रोस है चंद्रमशय नमः, ये चंद्रमा देवता के लिए मंत्र है। क्रोस है भूमाय नमः, भूमि के लिए जो मंत्र है, और ये है ओम ब्राह्म ह्रीम ह्रौं सः
राहवे नमाये राहवे राहु जी के लिए जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम क्रॉस है शनि नमाये शनि जी का मंत्र है देखो यहाँ से दिखती है मूर्ति बच्चों आओ ये देख सकते हैं आप हनुमान जी की मूर्ति है काफ़ी बड़ी और साथ भैरव जी की मूर्ति है तो अभी हम बच्चों को वहाँ पर लेके जाएंगे लेकिन सबसे पहले जो हम शनि महाराज जी के मंदिर में हमें प्रसाद मिला है उसको ग्रहण करेंगे और उसके बाद जो है बच्चों को जो है हनुमान की मूर्ति और की मूर्ति बताई है रही याद भैरव की और भैरव की मूर्ति है तो वहाँ दर्शन करेंगे तो बने रहिएगा वीडियो में तक बच्चों आ जाओ यहाँ भी माथा टेको है ना विश्वकर्मा की मूर्ति है यहाँ पर आ जाओ सूर्य अंजल देखो इधर सब हमारे देवी देवता है ये कृष्ण महाराज जी है ना इधर लक्ष्मी माता है और इधर सरस्वती माता है माथा टेको सभी जगह मंदिर परिसर में काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ पर देख सकते हैं आप और काफ़ी व्यवस्था है यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए ये चक्कर में आ जाओ आ जाओ चलो बच्चों तो फिर एंजल सूजल थक गए हैं मूर्ति मूर्ति दिखानी आपको हनुमान की तरह मजे में चल रहा है ना बहुत बड़ी मूर्ति है दिखाएंगे आपको भी ये देखो हनुमान जी की मूर्ति है भैरव जी की मूर्ति है नहीं आ रही है कैमरे में पहले यहाँ टेको माथा चलो जल्दी देखो एंजल है ना दूर से बोल रहे थे तुम अब छुटकी सी लग रही है वो कहाँ गया सृजन टेको माथा देखो कितना बड़ा विशाल गुर्ज है हैं टेको माथा टेको बेटा है ना आशीर्वाद लो ये देख सकते हैं आप बहुत विशाल मूर्ति जो है मंदिर के ऊपरी ओर जो है स्थापित की गई है हनुमान जी की साथ में जो है यहाँ पर भैरव जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है आओ बच्चों इधर आओ फेरी लेनी है आ जाओ एंजल सुजल आओ दिखाएं आपको इधर एक गुफा भी बनाई गई है ये देख सकते हैं आप यहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण और माता सीता की जो है प्रतिमाएँ लगाई गई हैं और काफ़ी खूबसूरत है जब भी आपके पास समय हो और हमारे धार्मिक देवी देवताओं के मंदिर में जरूर विजिट करें बजाओ बजाओ आप भी बजा लो उछलो वेरी गुड चलो सुजल सुजल की बारी चलो अब आओ चलो यहाँ से प्रवेश करो इसमें ये देख सकते हैं कोई शिल्पकार है अरुण पंडित जी बिहार से और मंदिर में जो है एक अट्रैक्शन का जो पॉइंट बनाया गया है और एक गुफा टाइप जो है सुरंग बनाई गई है बच्चों है ना बहुत सुंदर है मंदिर भी सुंदर है और मंदिर की गुफा भी सुंदर है ना निकाश निकास चलो फिर से माथा टेको ये देख सकते हैं आप दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह पर शनिदेव जी का मंदिर स्थापित है आओ चलो अब भैरव जी की मूर्ति के पास ले चलो और ये देख सकते हैं आप निचली ओर यहाँ पर गणपति महाराज जी विराजमान है और साथ में उनके बाहक मूसक जी की जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रतिमा बनाई गई है टेको आ माथा टेक लो चूहा चूहा अब है ना जाओ आप भी टेको माथा चलो अब आओ आ जाओ बच्चों आओ वहाँ पे माथा टेकना है हाँ वहाँ से रास्ते हैं का हाँ वो बनाया है पैसे डालने के लिए ना हाँ गुल्लक है ना और उसके अंदर भी है एक जगह अच्छा आओ भी यहाँ भी माथा टेकते हैं आ जाओ करो जय करो हाँ इनकी सवारी जो है बताओ एंजल भैरो देखो यहाँ से मंदिर कितना सुंदर लग रहा है ना पूरा यहाँ से व्यू दिख रहा है पूरा और ये हनुमान जी की मूर्ति काफ़ी खूबसूरत लग रही है यहाँ से मम्मा कहाँ रहेगी तुम्हारी आ जाओ जी आप भी आओ सृजन पकड़ो फोन जय हो भगवान अपनी कृपा दृष्टि आशीर्वाद रखना और सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत थैंक यू कि मेरे YouTube चैनल पे जो है 3000 सब्सक्राइबर आप लोगों के बदौलत जो पूरे हुए और इसी तरह साथ बनाए रखें और आपके जो है इस तरह के जो है धार्मिक एजुकेशनल हिमाचली कल्चर और भी हमारे हिमाचली धाम की जो वीडियो मेरे ब्लॉग पे जो है समय समय पर देखने को मिलते रहेंगे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और
अपना साथ यूँ बनाए रखे। चले आप चलते हैं पार्क भी है यहाँ पर। क्या करना है फिर बताओ जल्दी से। खाना है ना हाँ जी। तो जो खुद का खाना लाए फिर लड़ू क्वार्टर में खाएंगे। क्वार्टर में खाना है हाँ जी। चलो तो फिर चलते हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं यहाँ भी ना हाँ जी। उसको भी खा लेंगे रास्ते, प्रसाद ले लेते हैं हाँ जी। तुम जिद कर रहे हो तो चलो फिर हाँ जी। हमीरपुर स्थित शनि मंदिर लंबड़ू में जो मंदिर है वहाँ पर जो है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है लंगर की व्यवस्था भी की जाती है और अन्य श्रद्धालु जो है अपनी बारी के इंतजार में खड़े हुए हैं। देख सकते हैं आपको यहाँ पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जो है लंगर की पूरी व्यवस्था की जाती है और काफ़ी श्रद्धालु जो यहाँ पर लंगर का लुत्फ ले रहे हैं। लंगर की व्यवस्था में भी जो है श्रद्धालु बड़े चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देख सकते हैं आप स्थानीय लोग जो है यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं और ये सेवादार है यहाँ पे और लोगों को रोके हुए व्यवस्था कायम करने के लिए जो है लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है। ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़ी लंगर की व्यवस्था जो इस मंदिर में की जाती है। मेरे सामने जो है 3-4 बैच जो है लोगों के लगभग 200 लोगों का बैच जो है लंगर में प्रसाद ग्रहण के निकल चुका है। देख सकते हैं आप और अन्य लोग भी जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए लंगर भवन में आए हुए। हम भी जो अब मंदिर का जो है लंगर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। बैठ जाओ इधर ही बैठ जाओ। थोड़ा थोड़ा डालना बच्चों को। क्या हुआ बेटा? मजा आ गया प्रसाद का। पनीर बना हुआ है। मीठा लेना जो तूने टेस्ट बनाओ। चलो तो उठ जाओ फिर आराम से। पेंसिल देख लो कितने सारे लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और लोग जो है यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं और परे अंकल जलेबियाँ बना रहे हैं। देखो ना इतनी गर्मी में और वो पीछे देखो दाम प्यार की है प्रसाद के रूप में लंगर में। तो हमें भी जब मंदिर में आए तो ऐसे सेवा करनी चाहिए। जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो जरूर माथा टेकने आया करना अपने मंदिरों में। चले अब हाँ जी। चलो फिर। देखा वहाँ पे एंजल को बताया मैंने कैसे लोग काम करते हैं सेवा करते हैं मंदिर में आके। चले अब। चलो भैया कहाँ है मम्मा? शनिदेव मंदिर में हमने लंगर में जो है प्रसाद ग्रहण किया और अब आपसे विदा लेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम आए हुए थे शनि मंदिर लंबड़ू में जो हमीरपुर जिला में स्थित है। मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। तो मंदिर में हमने माथा वगैरह टेका है और अन्य जो साथ में मंदिर है वहाँ पर बच्चों को घुमाया। साथ ही जो हमने यहाँ पर जो है लंगर भवन में जो है प्रसाद भी ग्रहण किया। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे किसी नए धार्मिक ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। तेरी ना कितने पास से ले गए हाँ जी। मंदिर में प्रसाद बांटा जाए। लंच तो तुम्हारा वैसे ही आ गया सारा दिन ना। तो मैं तुमने दबा के खाया हुआ है और ये शाम को डिनर के लिए हो जाएगा। उठाओ कपड़े चलो जाओ। अंजना को अब शाम का डिनर नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि खाना वैसे का वैसा ही है सारा। जोड़ा दिखाओ सृजन कहाँ है। एज इट इज बच गया। सो जाऊंगा मैं आराम से और फिर ब्लॉग की एडिटिंग करूंगा शुरू। खोलो यार जल्दी से खोलो ताला। गर्मी जल्दी 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 करो जल्दी। गुआवा निकालो जल्दी से पिलाओ हमें और रेस्ट करो सभी बच्चे। मैं फिर एडिटिंग वीडियो। हेलो गाइस, जय माता की। आज हम जा रहे हैं लंबड़ू जहाँ पे शनिदेव का मंदिर है। अभी हमने कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद फूल फाल ले लिए, अब हम नहा के तैयार हैं। उसके बाद फिर हम आपको अगला ट्रिप बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं।